श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो दुआबा मेल ते मैं तुहाडे नाल सुदेश कुमारी। श्रोमणी अकाली दल पार्टी दे टकसाली नेता ते साबका मंत्री ते साबका विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंह कहलो कुछ दिनों तो बीमार चल रहे सन अते अमृतसर हस्पताल च इलाज दौरान दम तोड़ गए। उत्थे ही उन्हां दे देहांत तो बाद उन्हां दे जद्दी पिंड दादू जोत च शोक की लहर पाई जा रही है। उत्थे ही परिवार मुताबिक कल उन्हां दा अंतिम संस्कार करीब 12 बजे जद्दी पिंड विच दादू जोत विखे किया जाएगा। उत्थे ही निर्मल सिंह कहलो दे जीवन की शुरुआत चो पहला एक सरकारी अध्यापक वजो तैनात होए अते उन्हां दी धर्म पत्नी भी सरकारी अध्यापक सन, मगर निर्मल सिंह कहलो ने नौकरी छड्ड वकालत की पढ़ाई कर वकील बने अते जद सियासत विच कदम रखिया तां पहला मार्केट कमेटी दे चेयरमैन बने अते जदकि बरनाला सरकार वेले मंत्री बने अते मुड़ 1997 तो 2002 च अकाली सरकार च पंचायत मंत्री सन, जदकि मुड़ 2007 तो 2012 तक विधानसभा स्पीकर वजो जिम्मेवारी निभाई। उत्थे ही निर्मल सिंह कहलो अकाली दल पार्टी की कोर कमेटी के मैंबर सन, जदकि प्रकाश सिंह बादल के करीबी माने जाते सन, पिछले समय तो बीमार चल रहे सन ते अमृतसर च प्राइवेट हस्पताल दाखल सन जिथे उन्हें अंतिम साह लए। उत्थे ही पिंड दादू जोत च शोक की लहर पाई जा रही है ते पिंड च परिवारिक मैंबर नाल इस दुख की घड़ी च अफसोस करन लई वड्डी गिनती च अकाली दल पार्टी की लीडरशिप अते दूसरे राजनीतिक अते समाजिक आगू पहुँच रहे हैं। निर्मल सिंह कहलो का अंतिम संस्कार कल 17 जुलाई करीब 12 बजे जद्दी पिंड दादू जोत विखे किया जाएगा। दसिया जा रहा है कि सुखवीर सिंह बादल भी अंतिम संस्कार च पहुंचणगे। अकाली दल पार्टी दे आगुआं दा कहना है कि निर्मल सिंह कहलो दे देहांत नाल अकाली दल पार्टी नूं अते उहनां दे हलके अते परिवार नूं वड्डा घाटा है जो कदे पूरा नहीं होवेगा। दुआबा मेल दे नाल गुरदासपुर तों लवप्रीत सिंह खुशीपुर दी विशेष रिपोर्ट। निर्मल सिंह कहलो दे जाण दा बहुत वड्डा दुख जिथे उहनां दे परिवार नूं, मैं समझना अज पंथ नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। मेरियां तां कुझ इहनां दे नाल पुराणियां यादां जुड़ियां होईयां सन। इह पाकिस्तान तों आए सीगे, इत्थे आण के इन्हां ने वकील भी रहे ते टीचर भी रहे, तो मेहनत करके अकाल दल दे नाल जुड़े सीगे। तो मैनूं याद आ कि मेरा ते इन्हां दी उम्र दा 12-14 साल दा फर्क होण दे बावजूद भी इह डिसिपलिनड आदमी सी। मैं जिले दा प्रधान सी गया ते इह मेरे नाल जनरल सैकटरी सी। कदी इन्हां ने नहीं सोचा भी मेरे तो उम्र च छोटा वा, ते डिसिपलिन च रहण वाले बंदे सी ते पार्टी वास्ते कम करदे हुंदे सी। बड़ी वारी इकट्ठे जेलां च भी गए और वर्कर की कदर करते सी। और उन्होंने जाण दा घाटा अज दे समय चलो परिवार नूं तां पैणा ही है, जो परिवार चों चंगा बंदा जांदा जिस सिचुएशन च साडा अकाली दल आ, अज मैं समझना कि इहो जिहे बंदियां दा बहुत लोड़ सी, इहदे जाण दा बहुत वड्डा घाटा पिया जिहड़ा पूरा नहीं हो सकदा। सो परमात्मा मेहर करे एक वधिया बंदा वर्कर बंदा सधारण घर चों उठ के इत्थों तक पहुँचा सी, स्पीकर भी रहा वजीर भी रहा, तां परमात्मा मेहर करे इन्हां नूं अपने चरणां च निवास बख्शे। पिछे परिवार इन्हां दे नक्शे कदमां ते चल के लोकां दी सेवा करे, इही साडी गुरु दे चरणां च अरदास है। परमात्मा नूं अपने चरणां च निवास देवे। सो बहुत वड्डा घाटा पिया इहदे नाल इलाके नूं भी पार्टी नूं। बड़े दुख दी गल है, श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर, साबका डिप्टी स्पीकर, 2 वारी मिनिस्टर रहे, पंजाब विधानसभा के स्पीकर रहे, SS बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो इस हल्के जरनैल सरदार निर्मल सिंह जी कालों अज जिहड़ा सानू विछोड़ा दे के चले गए ने। उन्हां दा जिहड़ा समां उन्होंने राजनीति विच बिताया, उन्होंने समुची पार्टी नूं शिखरां ते लै गए ने और उन्हां दे नाल चलण वाले साथी उन्हां ते माण महसूस करदे सन। अज उह सारे गम विच गमगीन ने, केवल पार्टी वाले नहीं समुचे हल्के वाले लोग उन्हां नूं अपना परिवार का मैंबर समझते सन। उन्हां दे जान नाल जिहड़ा घाटा पिया मैं समझना पूरा नहीं हो सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, लंबा समा सियासत विच रहन दे बावजूद चिट्टी चादर लै के गए ने और लोकां विच अपनी वधिया साख छड्ड के गए ने। उन्हां दे जान नाल पार्टी नूं ना पूरा होण वाला घाटा पिया। कुछ दिन बीमार रहन तों बाद उन्हां दे हालात सुधरे नहीं, समा पूरा हो गया। परमात्मा उन्हां नूं अपने चरणों में निवास बख्शे, पिछे परिवार को भाणा मनन का बल बख्शे, तो उन्हां दे बच्चों नूं उन्हां दे नक्शे कदमों से चलदियां अपने साथियों के साथी बन के चलण की बुद्ध बख्शे। मैं ये अरदास करना गुरु के चरणों में। जे तुसी ANM GNM या BSC नर्सिंग की हुई है, तुहाडे कोल है
दो तीन साल का होस्पिटल का एक्सपीरियंस तो चाहते हो फैमिली समेत यूके पक्के होना वधेरे जानकारी लिए साडे ऑफिस विजिट कर सकते हो तो हेठ लिखे नंबर से संपर्क कर सकते हो।